देहरादून के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब देहरादून शहर में सिर्फ रविवार के दिन बाजार बंद रहेगा। अभी तक शनिवार और रविवार दो दिन के लिए बाजार बंदी का ऐलान किया गया था। देहरादून जिले में मौजूदा समय में कोरोना के मरीजों की संख्या 1938 है, जबकि 447 एक्टिव केस हैं। अभी तक 1411 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केस के हिसाब से देहरादून चौथे नंबर पर है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं बन जाती है, इससे बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो अब सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेगा। इस बार ये दो दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील हैं और इन दो दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी दो सप्ताह, जो दो दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाए। कोरोना के मामले बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बढ़ेंगे। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, सतर्कता ही इसका इलाज है। हम जितने सतर्क रहेंगे, जितनी आपसी डिस्टेंस बना के रहेंगे, वही इसका समाधान है हाल फिलहाल। और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार दुनिया से आग्रह कर रहा है कि आप सतर्क रहिए, और वो ये भी कह रहा है कि ये लंबे समय तक चल सकता है। देहरादून के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब देहरादून शहर में सिर्फ रविवार के दिन बाजार बंद रहेगा। अभी तक शनिवार और रविवार दो दिन के लिए बाजार बंदी का ऐलान किया गया था। देहरादून जिले में मौजूदा समय में कोरोना के मरीजों की संख्या 1938 है, जबकि 447 एक्टिव केस हैं। अभी तक 1411 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केस के हिसाब से देहरादून चौथे नंबर पर है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं बन जाती है, इससे बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो अब सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेगा। इस बार ये दो दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील हैं और इन दो दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी दो सप्ताह, जो दो दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाए। कोरोना के मामले बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बढ़ेंगे। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, सतर्कता ही इसका इलाज है। हम जितने सतर्क रहेंगे, जितनी आपसी डिस्टेंस बना के रहेंगे, वही इसका समाधान है हाल फिलहाल। और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार दुनिया से आग्रह कर रहा है कि आप सतर्क रहिए, और वो ये भी कह रहा है कि ये लंबे समय तक चल सकता है।